आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन, उसके बीच में इंटीग्रेशन हो, रिसर्च में भागीदारी हो, परस्पर मॉडर्न मेडिसिन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन दोनों मेडिसिन का कहाँ उपयोग हो, उसका अध्ययन हो और उसके आधार पर हम नागरिकों की स्वास्थ्य की उत्तम सेवा कर सके। मैं मानता हूं कि आयुर्वेद, ये मेरी दृष्टि से अथर्ववेद का एक उपवेद है और हमारा शास्त्रों समृद्ध है। आज हम कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने गीता के रूप में उपदेश दिया और गीता पर हम आस्था रखते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा है। वर्तमान समय में भी हम कहते हैं कि एक्स वाई जेड व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, ये बोलता है तो गलत नहीं बोलता। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा होगा, वो गलत तो नहीं कहा होगा। यानी कि हमारा शास्त्रों, ये हमारी विरासत है। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें देश को विकसित भारत बनाना है, डेवलप्ड कंट्री बनाना है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए कौन सा रास्ता तय करेंगे। तो उन्होंने कहा हम विरासत से प्रेरणा लेंगे। शास्त्रों हमारी विरासत है, हमारा ज्ञान है। समय और स्थिति के काल के अनुसार कई बार हम शास्त्र का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, या तो शास्त्र को हम नहीं समझ पाए उसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्र गलत है। हाँ, समय समय स्थिति काल के अनुसार व्यवस्था बदलती रहती है, समय परिवर्तनशील होता है। वर्तमान समय में मॉडर्न मेडिसिन का व्याप विश्वव्यापी बड़ा है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ट्रेडिशनल ज्ञान कुछ कम है। मैं मानता हूं कि हमारी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, दोस्तों पुरानी पद्धति तो है ही, लेकिन एकदम मुझे बराबर भली भांति याद है, मेरा बैकग्राउंड गांव है, मैं गांव से आता हूं। मैं छोटा था तो गांव में उस वक्त बहुत डॉक्टर नहीं होते थे और ऐसे समय में हम कुछ बीमार होते थे तो माँ गांव के वैद्य के पास लेके जाती थी। और वैद्य का नॉलेज देखो, हम आज कितना भी हमारे पास साधन हो, मेडिकल डिवाइस हो, अलग अलग टाइप की लेबोरेटरीज हो, हम निदान कर सकते हैं, लेकिन एक नाड़ी को पकड़ के हमारे वैद्य के पास कितना ज्ञान था। दोस्तों मैं मेरा स्वयं का एग्जाम्पल दे सकता हूं, मुझे बुखार आई थी और उन्होंने देखा और कहा मेरी माँ को कि 3 दिन कुछ खाना नहीं देना। मैं छोटा था और मेरे खाने की इच्छा स्वाभाविक बालक होते है तो होती है, तो मैंने कुछ मांगा होगा तो माँ ने मुझे खिला दिया, फिर बुखार उतरी नहीं, दूसरे दिन फिर माँ लेके गई तो डॉक्टर ने फिर से नाड़ी देखी, वैद्यराज ने फिर से नाड़ी देखी, खुशाल दादा उसका नाम था, और उन्होंने मेरी माँ को कहा कि मैंने कहा था कुछ खिलाना नहीं तो भी आपने खिला दिया, तो माँ गलत बोली, उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं खिलाया। और उन्होंने मेरी एक उंगली दबाई, कैसे दबाई पता नहीं, तुरंत ही मुझे वॉमिटिंग हुआ और खाया था वो निकाल दिया। ये हमारा ट्रेडिशनल साइंस है, साइंस सभी जगह पे है, हम उसको कैसे ढूंढे। और एक अच्छा रास्ता है ट्रेडिशनल मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन, दोनों साथ में मिलकर रिसर्च करें कौन कहां उपयोगी हो। हमारा शास्त्रों ने हमें सिखाया है संसार में सब कुछ उत्तम है, हमें ग्रहण करना है। मॉडर्न मेडिसिन में कोई उत्तम है, हमें ग्रहण करना है। हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन में कोई उत्तम है, हमें ग्रहण करना है।
और ये सभी को लेके हमें हमारा ज्ञान बढ़ाना है। इस दिशा में मॉडर्न मेडिसिन यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री, वैसे तो हेल्थ मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री व्यवस्था की दृष्टि से अलग हो सकती है, लेकिन इट इज वन पार्ट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। ये हेल्थ ही है, वो कभी अलग नहीं हो सकती, और इसलिए हमने इंटीग्रेशन करा है। मैं, मेरी मिनिस्ट्री, आयुष और आयुष मिनिस्ट्री और ऑनरेबल मिनिस्टर, हम दोनों मिनिस्टर और मिनिस्टर के सीनियर ऑफिसर्स 2 महीने में डिटेल बैठते हैं, इश्यू आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से विषय पर इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता है, कौन से विषय पर डिस्कशन करने की आवश्यकता है, कौन सा डिसीजन जॉइंटली करना है, हम साथ में मिलकर डिसीजन करते हैं। आपने देखा होगा सालों तक एलोपैथिक डॉक्टर्स अपनी बात करते थे, आयुर्वेद डॉक्टर अपनी बात करते थे, होम्योपैथिक डॉक्टर अपनी बात करते थे, लेकिन सब लोग मिलकर हेल्थ की बात नहीं करते थे, वो अपनी ही बात करते थे। वो कौन सही है कौन गलत है, या तो कौन गलत है उसमें ना पड़े तो भी हम सही है, ये बात नहीं उस ले लेते थे। और मैंने कई बार न्यूज में, अखबार में देखा था, एक दूसरी पैथी की डॉक्टर आलोचना करते थे। लेकिन पिछले 10 साल में मोदी गवर्नमेंट में हमने इतना तो अवश्य करा है, सब डॉक्टर एक दूसरे की पैथी का सम्मान करते हैं। आज हमारे एम्स के डायरेक्टर कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट चालू करिए। इतना ही नहीं, दोनों मिलके होश से, खुशी से हम दोनों मिनिस्टर को बुलाते हैं कि आइए हम यहाँ हमारे एम्स में, हमारे सफदरजंग अस्पताल में इंटीग्रेटिव मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट चालू कर रहे हैं। सब भी एम्स में एक डिपार्टमेंट आयुष का है, ताकि कई काम, कई व्यवस्थाएं, कई चिकित्सा एलोपैथिक दृष्टि से अच्छी हो सकती है, तो कई में आयुर्वेद की आवश्यकता होती है। वेलनेस पर सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? मैं मानता हूं कि ये आयुर्वेद में है, लेकिन हमारी आदत बनी है, योग योगा हो के आया, तुम योगा योगा करते हैं, ये हमारा है। और योगा हो के आ गया तो सुबह में उठते हैं, और आज फैशन मानी जाती है कि भाई कोई ऐसा कहते हैं सुबह में योगा करते हैं, तो कहते हैं हाँ हम तो सुबह में योगा करते हैं, तो फैशन मानी जाती है, अच्छा माना जाता है। एक बार साइकिल कोई चलाता है तो गरीब व्यक्ति का व्हीकल के रूप में माना जाता था। तो मैंने 10-12 साल पहले मैं पार्लियामेंट में आया, तो मैंने सोचा कि उसको फैशन बनाने की आवश्यकता है, इस साइकिल को फैशन बना देंगे तो वेलनेस का उत्तम काम हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ट्रैफिक का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, और देश का उद्यमन भी बचेगा, तेल तो हमें बाहर से लाना पड़ता है, तो मैं साइकिल लेके आता था, तो कई मंत्री भी साइकिल, कई सांसद भी साइकिल लेके आने लगे, तो धीरे 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 फैशन बनने लगी। आज साइकिल चलाना, कोई कहता है कि एक्स व्यक्ति साइकिलिंग करता है, मैं कोई भी स्टेट, देश के कोई भी सिटी में जाता हूं तो हमने एक बहुत बड़ा साइकिलिंग वालों का ग्रुप बनाया है, और ग्रुप में मुझे, मैं जाता हूं तो कोई एयरपोर्ट पर मुझे ऑफिसर लेने के लिए आते हैं, मेरे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता लेने के लिए आते हैं, और साथ में हमारे साइकिल क्लब के मेंबर भी आते हैं, और साइकिल क्लब के मेंबर कई बार साइकिल लेके आ जाते हैं, तो एयरपोर्ट पर लोग चर्चा करते हैं ये मंत्री साइकिल चलाता है। तो मंत्री साइकिल चलाने लगा तो फैशन बन गई। फैशन जब कोई हमारी ट्रेडिशनल व्यवस्था है, तो हमारा पिताजी भी साइकिल चलाते थे, उस वक्त फैशन मानी जाती थी, आज से 100 साल पहले, 100 साल के बीच में 4 व्हील आया, 2 व्हील आया, तो फैशन चली गई और गरीब का व्हीकल बन गया। फिर आज फैशन के रूप में आया है, फैशन के रूप में है तो फैशन के रूप में, लेकिन हमारा साइंस वहां पर है। ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति दोस्तों मान के चलो, आने वाले दिनों में फैशन के रूप में आ रहा है। जो आज स्टूडेंट यहां से दीक्षा लेके जा रहे हैं,
मैं मानता हूं कि आपका भविष्य बहुत उजला है, बहुत अच्छा है। मैं इसलिए कहता हूं, समय बदल चुका है। एक समय होता है जब व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होती है तो संपत्ति कमाने के लिए प्रयास करता है। एवरेज समाज के साथ संपत्ति आ जाती है तो बाद में वो सोचेंगे कि उनकी संतति अच्छी हो, उन्होंने कमाई की है उसको संभाल के रखे। संतति भी अच्छी हो गई, संपत्ति भी आ गई, बाद में वो सोचेंगे उसका सम्मान कैसे बढ़े, उसकी कीर्ति कैसे बढ़े, उसके लिए भी प्रयास करते हैं। ये तीनों चीज आ गए, बाद में वो क्या करेंगे, वो अच्छा जीवन जीने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और अच्छा जीवन जीना है, निरोगी रहना है, स्वस्थ जीवन जीना है तो दो रास्ता पे आगे बढ़ेंगे। वो केमिकल से दूर भागेगा, बेस्ट एनवायरमेंट की ओर आगे बढ़ेगा। आने वाले दिन मुझे गांव का दिन लग रहा है, ग्रामीण संस्कृति फिर से फैशन के रूप में आने वाली है। उस वक्त कहेंगे आप कहां रहते हो, तो फिर कहेंगे वो गांव में रहते हैं। मनसुख मांडविया मिनिस्टर है लेकिन वो अपने क्षेत्र में गांव में रहते हैं, तो फैशन मानी जाएगी कि गांव में रहते हैं। फिर लोग ये फैशन को फॉलो करेंगे और गांव में रहने के लिए जाएंगे स्वस्थ शुद्ध हवा के लिए। और वहां क्या करेंगे, तो वहां नेचुरोपैथी सेंटर है, आयुर्वेदा सेंटर है, वहां पंचकर्म होता है। वहां पर कई लोगों ने फैमिली डॉक्टर के लिए, एक प्रोफेशनल फैमिली डॉक्टर महीने में 5 लाख का, प्रतिवर्ष 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का पैकेज लेके ये कहेंगे कि मैं तो केवल 20 फैमिली को ही देखता हूं। 20 फैमिली की हेल्थ को एश्योर करने के लिए मुझे पैकेज दिया गया है। तो 20 फैमिली 5-5 लाख रुपया देगी तो भी 1 करोड़ रुपया की प्रतिवर्ष इनकम होगी। दोस्तों मुझे जो दिखाई दे रहा है ये मैं बोल रहा हूं। और जैसे जैसे कोई व्यक्ति एक रूम में बैठा होता है तो उसको 4 दीवार दिखती है, लेकिन 7 मंजिले के टेरेस पर चला जाता है उसको 7 गांव दिखाई देता है। मैं दुनिया के 53 कंट्री में गया, मैंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को एड्रेस किया है, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करा है और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एज ए हेल्थ मिनिस्टर में जाके आता हूं। और उससे मेरा जो एक्सपोजर बना है और भारतीय जीवन पद्धति को मैं समझा हूं, और जिस तरह से देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है, ये नया भारत में आपका भविष्य मुझे उत्तम दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन का समय आ रहा है, सब चिकित्सा पद्धति साथ में मिलकर परस्पर जहां जिसकी लिमिटेशन पूरी होती है, कई बार दूसरी मेडिसिन सिस्टम की शुरुआत होती है। जहां जिसकी लिमिटेशन है वहां जिसकी क्षमता है उसका उपयोग करने के लिए जॉइंटली रिसर्च और इनोवेशन हो, उसके लिए डेटाबेस इंफॉर्मेशन हो, ताकि हम हमारे देश के लिए और विश्व के लिए एक मिसाल के रूप में हम हमारी चिकित्सा पद्धति को दुनिया के सामने रख पाए। और ये कहने के लिए दोस्तों में संकोच नहीं होना चाहिए। आज हम आयुर्वेदा पढ़े हो, जब क्यों हम एलोपैथी की ट्रीटमेंट करते हैं भाई, शुद्ध आयुर्वेद की क्यों ट्रीटमेंट ना करें। हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, हमें गौरव होना चाहिए। मुझे थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट सेशन में एक सम्मानीय सांसद जी ने खड़ा होके एक क्वेश्चन कर दिया कि भाई आपने नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगों में धन्वंतरी का फोटो रख दिया। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये तो हमें ये रखा तो क्या हुआ। मैंने कहा हमने रखा है और धन्वंतरी हमारा आयुर्वेद चिकित्सा का देव है, हमारी विरासत है। और ये विरासत से प्रेरणा लेके हमारे डॉक्टर्स आगे बढ़े। आज दुनिया की यूनिवर्सिटी में धन्वंतरी का स्टेच्यू हो, सुश्रुत का स्टेच्यू हो, और मेरे देश में हम उसका स्टेच्यू ना रखें, मेरे देश में नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगों में
हम उसका स्थान दिया है, तो उसके पहले लोगों में किसका स्थान था? ग्रीक के गॉड का था। हम ग्रीक के गॉड के खिलाफ नहीं है, हम उसको भी सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे देश में तो मेरे देश के चिकित्सा के पितामह जो है उसका मैं ही फोटो रखूंगा, तो मेरी न्यू जनरेशन उसके प्रेरणा लेके आगे बढ़ पाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है, जो भी चिकित्सा पद्धति में आप पढ़ाई करते हो उसका गौरव लो। हमारी ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति पर हमारा गौरव होना चाहिए। हम गौरव से पढ़े, हम गौरव से कहे कि मैं वेद आयुर्वेद का ज्ञाता हूं, मैं वेद हूं। हम गौरव से कहे कि मैं शुद्ध नाड़ी का परीक्षण करके चिकित्सा करता हूं, और उसके लिए हमें आत्मसात करने की आवश्यकता होती है। हम केवल अर्थोपार्जन की ओर देख लेंगे, चलो भाई उसमें कुछ नहीं मिलता है, या तो कम कमाई होती है, या तो लोग कहां आयुर्वेद की चिकित्सा कराते हैं। जी नहीं, यहां एलोपैथिक की चिकित्सा कराते इतने ही आयुर्वेद की चिकित्सा कराने वाले लोग है, रिजल्ट देने वाले चाहिए। रिजल्ट देना है हमें, आप रिजल्ट दीजिए दोस्तों, लोग आपके पास आएंगे। वो आपको ढूंढ रहे हैं, आपका समय आ रहा है दोस्तों। और इसलिए मैं सभी आज जो शिक्षा लेके दीक्षा लेके जा रहे हैं, ऐसे हमारे आयुर्वेद के ज्ञाता वेद को मैं अभिनंदन देता हूँ। और दोस्तों हमारे देश में हेल्थ की डेफिनेशन ही अलग है। हमारे यहाँ हेल्थ कभी कॉमर्स नहीं है, आजीविका का माध्यम हो सकता है लेकिन एक कॉमर्स नहीं है। हेल्थ हमारे लिए सेवा है, और सेवा को हमारे यहाँ परम धर्म कहा गया है। ये परम धर्म के सिद्धांत को आगे रख के जब मोदी जी ने विकसित भारत की कल्पना की है, और जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब यानी कि 2047 में हमें हमारे लक्ष्य को अचीव करने के लिए देश का हेल्थ सिस्टम इस सर्वव्यापी होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। हेल्थ को अफोर्डेबल, हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए आप सब लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं आप सबको आज के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। चार प्रकार की व्यवस्था का आज लॉन्चिंग करा गया है, ये सब व्यवस्थाएं सक्सेसफुली काम करके उसमें रिसर्च इनोवेशन हो, उसके आधार पर डेटाबेज हो, डेटाबेज के आधार पर हम देश और दुनिया को डेटा के आधार पर कन्विंस कर पाए, हम सेल्फ कन्विंस करें, और हम हमारी चिकित्सा पद्धति को मजबूत करें, यही अपेक्षा है। धन्यवाद।